स्वच्छता में सातवीं बार अव्वल बनेगा इंदौर। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए संकेत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर स्वच्छता में एक बार फिर अव्वल बनने जा रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो इंदौर लगातार सातवीं बार स्वच्छता के मामले में देश में नंबर वन होगा। विजयवर्गीय ने स्वच्छता के लिए शहर की जनता, महापौर और नगर निगम के सफाई कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पुरस्कार की अधिकृत घोषणा 11 जनवरी को होना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश को कुल 6 नेशनल अवार्ड मिलने की संभावना है। भोपाल को वेस्ट कैपिटल सिटी या बेस्ट सस्टेनेबल कैपिटल अवार्ड मिल सकता है। अमरकंटक, महू और बुधनी भी नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। शुक्रवार को इंदौर में मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर वन है। कोई भी अच्छी चीजों में प्रतियोगिता होनी चाहिए। मैं तो मानकर चलता हूं कि सूरत ने इसमें अच्छी मेहनत की थी, लेकिन इंदौर ने महापौर के नेतृत्व में बाजी मारी है। विजयवर्गीय ने कहा कि छोटी नगर पालिकाओं में महू ने बाजी मारी है। ये बहुत अच्छी बात है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंदौर के पड़ोसी महू ने इंदौर से सीखकर पुरस्कार अर्जित किया है। महू के लोगों को बधाई। बता दें कि महापौर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 11 जनवरी को आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मिला है। प्रोग्राम दिल्ली में होगा। महापौर बोले, ये जनता की सहभागिता, सफाई मित्रों की मेहनत। इंदौर महापौर पोष्य मित्र भार्गव ने कहा कि जनता की सहभागिता, सफाई मित्रों की अथक मेहनत, जन प्रतिनिधियों का लोगों के बीच रहकर जागरूकता करना, अधिकारियों की मॉनिटरिंग और मध्य प्रदेश का कुशल नेतृत्व, सबके प्रयास से इंदौर स्वच्छता का सातवां आसमान छुएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके पीछे की ताकत हमारा इंदौरीपन है। महापौर ने कहा कि मैं कैलाश जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये पुरस्कार हमको मिल रहा है। पिछले साल मध्य प्रदेश को कुल 16 अवार्ड मिले थे, इस बार 18 अवार्ड मिल सकते हैं। 11 जनवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अवार्ड समारोह होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी समारोह में शामिल हो सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में राजधानी भोपाल को खुशखबरी मिल सकती है। भोपाल को बेस्ट कैपिटल सिटी या बेस्ट सस्टेनेबल कैपिटल अवार्ड मिलने की उम्मीद है। वहीं रैंकिंग भी सुधर सकती है। पिछली बार भोपाल ने देश भर में 6वां स्थान हासिल किया था। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली थी। इस बार टॉप 5 और 7 स्टार रेटिंग मिल सकती है। इसके पीछे निगम के कई ऐसे काम हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हैं। इनमें CNG प्लांट, बायो CNG और कचरे के बेहतर ढंग से निपटान किया जाना प्रमुख है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।